काफी टाइम बाद स्टोन सीरीज में एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट आया, ये है स्टोन स्पिन एक्स प्रो। बोट की तरफ से 3000 रुपए में लॉन्च हुआ है। फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर इसकी कुछ अच्छी बुरी, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बात करेंगे। स्पीकर का फर्स्ट इंप्रेशन काफी अमेजिंग सा है और मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। एक प्रीमियम फील देता है बट थोड़ा सा हैवी है। टेस्ट कर लेते हैं कितना हैवी है, इसका वेट टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये 940 ग्राम का है, अप्रोक्स 1 किलो का है, तो मतलब पोर्टेबल तो है बट बहुत ज्यादा हैवी फील होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा बल्की भी दिया गया है। ऊपर बोट की ब्रांडिंग है, प्लस माइनस का बटन दिया गया है, एक स्ट्रैप दी गई है, स्ट्रैप तो क्या ही बोलूं मैं इसको, प्ले पोज बटन है, पावर बटन है और RGB को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, सामने RGB दी गई है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है। साथ में इस RGB को आप कंट्रोल कर सकते हो, 3-4 मोड्स आते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम भी ये इंडिकेट करती है, एक कूल इफेक्ट लगता है। ओक्स USB TF ब्लूटूथ कनेक्टिंग ऑप्शन सारे दिए गए हैं और साथ में टाइप सी चार्जिंग आती है। हाँ, ब्लूटूथ 5 आता है। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में 5.3 होना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्पीकर्स उतना ही दे रहे हैं। पूरी फैब्रिक फिनिश है, नीचे एक बेस से बेस रीडर दिया गया है अच्छा खासा बेस प्रोड्यूस करने के लिए और साथ में एक स्टैंड भी दिया गया है। तो ओवरऑल स्पीकर का डिजाइन, लुक, फील, क्वालिटी, इन हैंड फील Awesome है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज हमारे दिए गए लिंक से जाके शॉपिंग करें, जिससे आपके प्रोडक्ट का प्राइस तो नहीं बढ़ेगा बट डायरेक्टली हमारे चैनल की काफी हेल्प हो जाएगी और ऐसी वीडियोस बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और साथ में सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। IPX4 आता है यार, अब भी बोट IPX4 इस्तेमाल कर रहा है, काइंड ऑफ बेकार सी चीज है। TWS मोड आता है, बिल्ट इन माइक्रोफोन है, सबसे इंपॉर्टेंट 20 वोट का पावर आउटपुट है। बोट हमेशा यही करता है, वो कहता कुछ है बट उसके अंदर ड्राइवर्स ज्यादा वोट के होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है ताकि आवाज फटे ना, बेस अच्छा प्रोड्यूस हो और क्वालिटी साउंड वो प्रोड्यूस कर पाए, इसीलिए हमेशा जितना वोट बोलते हैं उससे ज्यादा के ड्राइवर्स होते हैं। बट ड्राइवर्स आउटपुट 20 वोट ही देंगे, वो ज्यादा नहीं देंगे। बैटरी है 3200 mAh की, जो मुझे लगता है बोट को बढ़ानी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता बोट की ये हर स्पीकर के साथ प्रॉब्लम है कि वो बैटरी अपने आउटपुट पावर को देखते हुए क्यों नहीं देता है। कंपनी क्लेम करती है 8 घंटे का बैटरी बैकअप और 4 घंटे की चार्जिंग। अब चार्जिंग को तो हटा दो, बैटरी बैकअप इंपॉर्टेंट है। 100% पे आप 3 घंटे मुश्किल से चला पाओगे और अगर आप 60-70% पे जाओगे तो फिर 4-5 घंटे आप इजिली इंजॉय कर पाओगे, क्योंकि बोट का जो आउटपुट होता है वो लाउड है, ज्यादा बड़े ड्राइवर्स है, बेस अच्छा खासा है, तो बैटरी तो ड्रेन होनी बनती है ना यार। करें वहीं पर रियलमी ने अपने 20 वोट के स्पीकर के 5200 mAh की बैटरी दी थी, तब वो 8-10 घंटे चल जाता था। तो आप सोचो कि 3200 mAh की बैटरी ऑलमोस्ट 2000 mAh कम हो जाती है, तो वो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे मुश्किल से देगा ना। मुझे नहीं समझ में आता बोट अपनी बैटरी को क्यों नहीं बढ़ाता है। इवन 3000 रुपए प्राइस एक डिसेंट प्राइस है। बटन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कॉल उठाने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड वॉल्यूम्स एंड साथ में वॉइस असिस्टेंस भी देखने को मिलती है। देखो 10 मीटर की रेंज बताई गई है बट ये 10 फुट चल जाए वही बहुत अच्छी बात है। 10 मीटर तब होता जब बिना रुकावट के एक ही डायरेक्शन में एक ही लेवल पे दोनों डिवाइसेस रखे हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो 10 से 15 फुट का इजीली रेंज ही देता है। फाइनली बात कर लेते हैं साउंड की, बट उससे पहले साउंड सैंपल तो सुन लो। मैं काफी सारे साउंड सैंपल सुनाऊंगा बट अगर कॉपीराइट आएगा तो मैं सॉन्ग्स को हटा दूंगा और आपको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक सुनने को मिलेगा। और साउंड सैंपल ईयरफोन से सुनना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट बेस आउटपुट का पता चले, और ईयरफोन भी अच्छी क्वालिटी के ले लेना। Yeah.
फाइनली साउंड क्वालिटी की बात करें, देखो मिड लो हाई सब अमेजिंग है, कोई डिस्टोर्शन नहीं है, लाउडनेस बहुत अच्छी है, इंडोर आउटडोर बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बेस टकटक वाला नहीं है, धमधम वाला है, तो बुरा क्या है? एक्चुअली इसमें एक ही चीज की मेरे को कमी लगती है जो मैं ऑलमोस्ट हर बोट के प्रोडक्ट में पॉइंट आउट भी करता हूँ, इनके जो ट्रेबल्स होते हैं या तो वो बहुत ज्यादा लो होते हैं या थोड़े से स्लाइटली हाई होते हैं, जिसकी वजह से एक चुभन वाली फीलिंग आती है। अब ये अगर आप बड़े रूम में सुनोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप छोटे रूम में बैठ के इसके पास बैठ के इसको ज्यादा टाइम तक सुनोगे तो कानों में थोड़ा सा चुभने का एहसास होता है, वो एक क्वालिटी वाली साउंड थोड़ी सी लैक करती है कहीं ना कहीं, वो इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती है बट लंबे टाइम में आपको हो जाएगी। बेस अच्छा है, लाउडनेस अच्छी है, बट वो साउंड थोड़ा सा ट्रेबल्स को लो करना चाहिए, वो थोड़ा सा बोट को कंट्रोल करना चाहिए, इसके अलावा साउंड जबरदस्त। प्रोस की बात कर लेते हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, आरजीबी आती है, कैरी करने के लिए स्ट्रैप है, मल्टी कनेक्टिंग ऑप्शंस आते हैं और 20 वोट का मैसिव आउटपुट आता है, साउंड क्वालिटी जबरदस्त है। दो तीन है, सबसे पहला बैटरी मुझे कम लगती है, पता नहीं क्यों बोट के हर स्पीकर में ही। दूसरा IPX4 आता है, स्टिल IPX7 जा चुका है तो 4 आने का कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा थोड़ा सा हैवी है, बल्कि है। और चौथी चीज ब्लूटूथ 5 आता है, 5.3 आ गया यार मार्केट में, इसके अलावा कोई कौन ऐसा देखने को नहीं मिला है। प्राइस को देखते हुए एक अच्छा प्रोडक्ट है और स्टोन सीरीज के सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे खासे रहे हैं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया है और वन ऑफ द बेस्ट में अब इसके काउंटिंग भी आती है। मैंने मियाटोन का स्पीकर यूज किया, मैंने ट्रिबिट के स्पीकर को रिव्यू किया, मैंने रियलमी का यूज किया, जो इस सेगमेंट के स्पीकर्स हैं उनसे मिलता जुलता आउटपुट, बेस और लाउडनेस तो ज्यादा ही आप कह सकते हो, वो आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इस प्राइस रेंज में और भी सारे स्पीकर्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, बट हर स्पीकर का अपना एक मेरिट और डीमेरिट है, किसी का प्राइस ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है। अगर आपको बोट स्पीकर्स पसंद है या फिर आप एक अच्छा खासा स्पीकर देख रहे हो 3000 रुपए के अंदर एक सिग्नेचर साउंड के साथ, तो डेफिनेटली आप इस स्पीकर को प्रेफर कर सकते हो, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस इस स्पीकर के साथ, या आपको अगर ये स्पीकर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के अंदर।